ओके दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में हमने एनएबीएल को कवर किया था कि एनएबीएल क्या होता है, एक एनएबीएल सर्टिफाइड लैब्स के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, इसका क्या क्या प्रोसीजर होता है, ठीक है, पूरा प्रोसेस हमने कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर में हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज इमरजेंसी कोड्स। ठीक है, आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये रेड कोड, ब्लू कोड, ऑरेंज, पिंक, ब्लैक, येलो कोड, ये सारे इमरजेंसी कोड्स होते हैं। ठीक है, तो इसको हम बेसिकली हॉस्पिटल के स्टाफ को अलर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, ये जो इमरजेंसी कोड्स होते हैं ये डिज़ास्टर की कंडीशन को डिनोट करते हैं। ठीक है, इमरजेंसी कोड्स का हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम मिनिमम वर्ड्स में स्टाफ तक ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकें। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि कोड रेड, ठीक है, कोड रेड जो है इसका मतलब होता है कि फायर। ठीक है, तो जो भी मैसेज था वो स्टाफ तक पहुँच गया, ठीक है, बिना कोई स्ट्रेस लेवल इंक्रीज हुए। ठीक है, लेकिन अगर हम डायरेक्ट अनाउंस करते फायर तो इससे क्या होगी, सिचुएशन जो है वो बहुत बिगड़ जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कोड्स का यूज़ करते हैं। तो इन इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए हम जो है इन कोड्स का यूज़ करते हैं ताकि जो अदर पीपल हैं वो भी पैनिक ना हो और जो मैसेज है वो भी स्टाफ तक ईजिली पहुँच जाए। ठीक है, जैसे कि जो कोड रेड है, कोड रेड जो है वो फायर के लिए होता है। ओके, तो जैसे ही हम कोड रेड अनाउंस करेंगे तो एक सीक्वेंस ऑफ एक्शन जनरेट होगा। ठीक है, और ये जो सीक्वेंस ऑफ एक्शन है इसके लिए हमारी मॉक ड्रिल्स होती है, हमें ट्रेनिंग दी जाती है कि हमें क्या सीक्वेंस ऑफ एक्शन रखना है। ठीक है, कैसे हमें उस आग को बुझाना है, कैसे हमें उस फायर को इवैक्यूएट करना है। ठीक है, ये सीक्वेंस ऑफ एक्शन होता है। ठीक है, और अगर कोड रेड अनाउंस करने के बाद जो हम सीक्वेंस ऑफ एक्शन इनिशिएट करते हैं, ठीक है, लेकिन अगर वो फायर जो है वो कंट्रोल नहीं हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन में फायर ब्रिगेड का जो नंबर है वो भी हॉस्पिटल में होना चाहिए, डिस्प्ले पर होना चाहिए और ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ पे सब देख सकें। ठीक है, तो ये है कोड रेड जो कि हम फायर के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो कोड है वो है कोड ब्लू। कोड ब्लू हम मोस्टली यूज़ करते हैं कार्डियक अरेस्ट के लिए। ठीक है, जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है तो हम कोड ब्लू को अनाउंस करते हैं। ठीक है, अगर किसी पेशेंट को किसी भी जगह किसी भी फ्लोर पे कार्डियक अरेस्ट हुआ है, ठीक है, तो कोड ब्लू टीम आती है वहाँ पे। ठीक है, लेकिन उससे पहले पेशेंट को हमें बेसिक लाइफ सपोर्ट्स देना पड़ता है। ओके, तो ये है कोड ब्लू जो कि हम कार्डियक अरेस्ट के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो कोड है वो है कोड पिंक। कोड पिंक डिनोट करता है चाइल्ड एबडक्शन को। अगर NICU से या फिर PICU से कोई भी बच्चा जो है वो मिस हो जाता है तब कोड पिंक अनाउंस किया जाता है। इसमें क्या होता है, कोड पिंक अनाउंस करने के बाद जितने भी हॉस्पिटल के गेट्स हैं, दरवाजे हैं, वो बंद कर दिए जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर हॉस्पिटल की स्क्रीनिंग होती है और अगर फिर भी वो बच्चा नहीं मिलता है तो फिर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन की जाती है। नेक्स्ट जो कोड है वो है कोड ऑरेंज। कोड ऑरेंज हम तब अनाउंस करते हैं जब किसी हजार्डियस मटेरियल का स्पिलेज हो जाए, जैसे कि मर्क्यूरी स्पिल, फॉर्मेल्डिहाइड एक्सेट्रा। नेक्स्ट जो कोड है वो है कोड वॉलेट। कोड वॉलेट हम सिक्योरिटी इमरजेंसी में अनाउंस करते हैं। ठीक है, जब भी कोई पर्सन जो है वो वेपन लेके आ जा रहा है, ठीक है, हॉस्पिटल में फाइट करने, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव वे में फ़ाइट करना चाह रहा है। आपने देखा होगा कि किसी भी पेशेंट की जब डेथ हो जाती है हॉस्पिटल में तो जो उसकी फैमिली वाले होते हैं वो गुस्से में आकर डॉक्टर को मारने लगते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। तो अगर ये चीज़ कोई भी नोटिस करता है तो तुरंत जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ को बताएगा ताकि वो अपनी सिक्योरिटी टीम के साथ वहाँ पहुँच सके और ऐसे तरीके की सिचुएशन को हैंडल कर सके। नेक्स्ट कोड है कोड ब्लैक। कोड ब्लैक हम तब अनाउंस करेंगे जब हमें कोई बॉम्ब या फिर कोई सस्पिशियस डिवाइस मिले तो हम कोड ब्लैक को राइज करेंगे। ठीक है, अगला जो कोड है वो है कोड येल्लो। कोड येल्लो हम बेसिकली जो है एक्चुअल या फिर सस्पेक्टेड डिज़ास्टर की कंडीशन में अनाउंस करते हैं। तो अभी हमने जाना कि हम अलग अलग इमरजेंसी सिचुएशन में अलग अलग इमरजेंसी कोड्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन अब इन कोड्स को अनाउंस करने का भी एक तरीका होता है, ऐसे नहीं कि हमने इसको कैसे भी अनाउंस कर दिया, इसका भी पूरा कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ प्रोसेस होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें बताना होता है कि किस तरीके का अलर्ट है। ठीक है,
हमें अलर्ट कैटेगरी बतानी है, जैसे कि मेडिकल अलर्ट है, सिक्योरिटी अलर्ट है, फायर अलर्ट है। हमें पहले अलर्ट बताना है, अलर्ट की कैटेगरी बतानी है। नेक्स्ट हमें बताना है कि जो भी अलर्ट की कैटेगरी है उसका कोड क्या है, ठीक है, किस तरीके की इमरजेंसी आपके कोड को डिनोट कर रही है वो बताना है। जैसे कि कोड ब्लू किस तरीके की इमरजेंसी को डिनोट कर रहा है, कार्डिक अरेस्ट को, ठीक है। कोड रेड किस तरीके की इमरजेंसी को डिनोट कर रहा है, फायर को। तो ये है कुछ स्टेप्स जिसको हम फॉलो करके इमरजेंसी कोड्स को अनाउंस करते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको एक बार बताती हूँ कि कैसे हम इमरजेंसी कोड्स को अनाउंस करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कोड वॉलेट अनाउंस करने जा रही हूँ, ओके। तो चलिए एक बार देखते हैं, सिक्योरिटी अलर्ट कोड वॉलेट रूम नंबर 553, सिक्योरिटी अलर्ट कोड वॉलेट रूम नंबर 553, सिक्योरिटी अलर्ट कोड वॉलेट रूम नंबर 553, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इमरजेंसी कोड्स को अनाउंस करना है और ये हमें 3 के सेट्स में अनाउंस करना है। अब आपने नोटिस किया होगा कि जब मैं इमरजेंसी कोड्स को अनाउंस कर रही थी तो मैंने यहाँ पे 3 चीज़ें बताई। सबसे पहली चीज़ अलर्ट कैटेगरी, मतलब किस तरीके का अलर्ट है। उसके बाद मैंने स्पेसिफिक कोड बताया और फिर मैंने लोकेशन बताया कि कहाँ पे वो घटना घटी है, ओके। तो यहाँ पे हमें 3 चीज़ें बतानी हैं। कोड्स को अनाउंस करने के बाद जो भी सीक्वेंस ऑफ एक्शन है वो शुरू हो जाता है। सीक्वेंस ऑफ एक्शन शुरू होने के कुछ टाइम के बाद जब सब कुछ ठीक हो जाता है, सब कुछ स्टेबल हो जाता है, जो भी सीक्वेंस ऑफ एक्शन है जब वो क्लियर हो जाता है तब हम कोड्स को टर्मिनेट करते हैं। तो इसका भी एक तरीका है टर्मिनेट करने का, आइए देखते हैं कि कैसे करते हैं। सिक्योरिटी अलर्ट कोड वॉलेट रूम नंबर 553 क्लियर, सिक्योरिटी अलर्ट कोड वॉलेट रूम नंबर 553 क्लियर, सिक्योरिटी अलर्ट कोड वॉलेट रूम नंबर 553 क्लियर। तो इस तरीके से हम इमरजेंसी कोड्स को टर्मिनेट करते हैं। तो आज हमने जाना कि इमरजेंसी कोड्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, इसको हम कैसे अनाउंस करते हैं, कैसे टर्मिनेट करते हैं, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।